बलवान के सीक्वल में सुनील शेट्टी किस हीरोइन के साथ नजर आने वाले हैं और बतौर खलनायक संजय दत्त को क्यों कास्ट किया जा रहा है? सुनील शेट्टी को सदाबहार हीरो क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म बलवान 1992 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन दीपक आनंद ने किया। ये सुनील शेट्टी की पहली फिल्म है जो असल में अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म एक और फौलाद से करने वाले थे। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती मुख्य किरदार में नजर आई और इसके अलावा मुख्य खलनायक की भूमिका में डैनी डेंजोंगपा नजर आए। ये फिल्म 11 सितंबर 1992 को सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। अर्जुन सिंह यानी कि सुनील शेट्टी एक बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं जो एक छोटी सी बस्ती में अपनी माँ और बहन के साथ रहते हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्हें दीपा यानी कि दिव्या भारती से प्यार हो जाता है। एक दिन वो एक पुलिस अफसर पर हाथ उठा लेता है जिसके कारण उन्हें जेल हो जाती है। दीपा अपने पुलिस कमिश्नर पिता टीनू आनंद से कहकर उसे जेल से छुड़वा देती है। दीपा के पिता अर्जुन से पुलिस ऑफिसर बनने को कहते हैं। उनकी बात मानकर अर्जुन पुलिस फोर्स में जुड़ जाता है और उसकी तैनाती एक अन्य शहर में हो जाती है। अर्जुन अपनी माँ और बहन के साथ उस नए शहर में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में चले जाते हैं। वहाँ का डॉन यानी कि डैनी डेंजोंगपा उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ के लोगों को बोल देता है कि कोई भी उस परिवार की मदद नहीं करेगा। इससे वे लोग उस शहर में सभी से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। उसकी बहन का बलात्कार हो जाता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। अर्जुन पर एक हत्या का आरोप भी लग जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सुनील शेट्टी अब फिर से बॉलीवुड में अपना परचम लहराने जा रहे हैं। सुनील शेट्टी की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है जो उन्हें पर्दे पर एक्शन और रोमांस करते देखना चाहते हैं। तो अब सुनील शेट्टी अपनी सुपरहिट फिल्म बलवान का सीक्वल बनाना चाहते हैं और इसके सीक्वल में काजल अग्रवाल को अपने अपोजिट साइन करना चाहते हैं। वहीं अब अगर बात करें कि सुनील शेट्टी को सदाबहार एक्टर क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों उनकी एक फिल्म थी मोहरा, जिसका गाना ना कजरे की धार ना मोतियों से हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। एकदम मासूमियत से ये गाना गाता हुआ पैंट की जेब से हाथ डाले एक लड़का घूमता है। उसके दोनों अंगूठे जेब से बाहर निकले रहते हैं। फिल्म के अंत में ये लड़का मर जाता है बिल्कुल शोले के बच्चन की तरह और उसी अंदाज में लोगों के दिल पर छा जाता है। बाद में ये जेब से बाहर का अंगूठा इस लड़के का स्टाइल बन जाता है। जी हाँ, बात हो रही है सुनील शेट्टी की। आज वो 55 साल के हो गए। दोस्तों, एक जमाना बीत गया तब से जब वो बलवान में डैनी को दबा के होंकते नजर आए थे। ये वो दौर था जब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल एक्शन हीरो के तौर पर बहुत बड़े हो गए थे। उनकी फीस बढ़ गई थी पर एक्शन वही था, एकदम देसी। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का अलग क्लास था। ऐसे में तीन नए लड़के आए थे, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। इन तीनों में सुनील शेट्टी उस लड़के की तरह थे जो गली क्रिकेट के मैच से पहले अपनी छत से खड़ा शांत होके देखते रहता है। कोई बुला ले तो ठीक है, ना बुलाए तो वहीं से देख लें, कोई शिकायत नहीं। बहुत ही तगड़ा पर मासूम, आंखों में एक अजीब सी ठंडक, एक आम आदमी की शक्ल, पर लड़के में एक बात थी। जहां सारे एक्शन हीरो उड़ के मारते थे तो ये कहीं से भी मार सकते थे, चक्री की तरह घूम के मारते थे। बाकी जो हीरो थे विलेन से मार खाने पर उनके खून निकलता था, लेकिन जब ये लड़का मार खाता तो इसके लार टपकती थी। जब ये अंगूठे से लार पहुंचता जनता उत्तेजित हो जाती, अब मारेगा अहिंसा सांड की तरह। फिर इसने कभी निराश भी नहीं किया। आगाज में जितनी मार खाता है उतनी लाल मिर्च बदन पे लपेटता है। लहरिया कट में चीखता है आना आना, और उसके बाद और ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वो वक्त था जब खेमे बढ़ते थे हीरो के नाम पर, क्लियर कट था सब कुछ, ये हीरो अच्छा लगता है, ये नहीं, ये मौगा है, ये धांसू है। उस वक्त सुनील शेट्टी के नाम पर कोई नाक नहीं सिकोड़ता था, पर जब ये बात होती कि कौन एक्शन हीरो किसको पटक के मार सकता है तो सुनील शेट्टी सबके तारनहार थे।
अक्षय और सनी देओल ऐसे डिस्कशन में पहली पसंद होते थे, पर सुनील को लेकर आप आश्वस्त हो जाते थे कि मार नहीं पाएंगे तो मार खाएंगे भी नहीं। फिर ये तय था कि अगर अपना लड़का भड़क गया तो किसी को भी पटक सकता है। इस भरोसे ने सुनील शेट्टी को दौड़ में आगे बनाए रखा। तो वहीं सुनील शेट्टी दिलवाले फिल्म में दोस्त के लिए अपने इश्क को भूल जाते हैं, बोलते हैं प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। और बस क्या होना था, यहीं पर उस वक्त के आशिकों ने सुनील शेट्टी को दिल में बसा लिया। रोल मॉडल हो गए थे ये छोटे शहर के लड़कों के। रेडियो कान में लगाए सारे रोमियो मन में सुनील शेट्टी बनते थे। धड़कन में ये पागल प्रेमी बन के आता है, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। उस पागलपन में भी ये पब्लिक का दिल लूट ले गए। सबकी सहानुभूति इन्हीं के साथ थी। अक्षय कुमार इस फिल्म में सुनील शेट्टी के सामने एकदम बच्चे जैसे दिखे। हालांकि दोनों ने साथ में कुल 12 फिल्में की हैं और अक्षय पर हर फिल्म में सुनील शेट्टी का रोल कटवाने का आरोप लगता रहा है, पर धड़कन में ये दांव चला ही नहीं था। विलन होने पर भी सुनील शेट्टी ही हीरो बन गए। वेल बॉर्डर में भी सुनील शेट्टी का एक धांसू डायलॉग था, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है। दोस्तों रेत में सोए रहने का काम सुनील पर ही फबा था। अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, उनके बीच सुनील खड़े हैं। देखते देखते वो पाकिस्तानी टैंक के सामने बम लेकर पहुंच जाते हैं और वहां जब वो हंसते हैं तो जनता पागल हो उठती है। वहीं हाई हुक से लेकर शहर की लड़की में सुनील शेट्टी ने नाचने की भरपूर कोशिश की है। वो जमाना था एक्शन रोमांस और गानों का। एक्शन में तो कोई इनका हाथ नहीं धरता था, पर मासूम पारिवारिक आदमी रोमांस कहाँ करता है। हाँ ये भी है कि सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्मों में लड़कियां नहीं छेड़ी, जो उस वक्त हर फिल्म का अनिवार्य सीन हुआ करता था। तो आंखों में बसे हो तुम गाने में लड़के ने अपना रोमांस भी दिखा दिया, वो भी शरीफ आदमी का रोमांस। दोस्तों हर कलाकार से हम महान और परपिचुअल मोशन मशीन होने की उम्मीद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जो जैसा था ठीक था, जितना किया ठीक किया। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 के दशक में सुनील शेट्टी का क्रेज बना था साहब, और इस बात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अब जहां उनकी फिल्म बलवान के सीक्वल की चर्चा है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।